सेवलॉन्ग स्वस्थ इंडिया मिशन 2016 में अपनी शुरुआत के बाद लगातार 8 सालों से हाथ धोने के मामले में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। यह अभियान भारत के स्कूलों में 10 मिलियन विद्यार्थियों को इनोवेटिव और इंटरैक्टिव वर्कशॉप मॉड्यूल्स द्वारा हाथों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित कर चुका है। सेवलॉन्ग इंडिया मिशन हाथों को साबुन से धोकर स्वच्छ रखने पर जोर देता है। यह रिपोर्ट पद्मश्री मालिनी अवस्थी और संजय श्रीनिवास, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बिजनेस ITC लिमिटेड की मौजूदगी में जयपुरिया स्कूल लखनऊ में पेश करी। इस साल सेवलॉन्ग स्वस्थ इंडिया मिशन को लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, अयोध्या जैसे शहरों में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ले जाया जाएगा। बहुत खुशी है कि आज सेवलॉन्ग के स्वस्थ इंडिया इस पूरे मुहिम में मुझे फिर से एक बार याद किया गया है। मैं आपको बताऊं कि 8 साल पहले जब सेवलॉन्ग ने स्वस्थ भारत स्वस्थ इंडिया की जब मुहिम शुरू की थी, तो एक सरकारी विद्यालय में बच्चों के साथ एक विद्यालय में मेरे साथ शुरू की थी 8 साल पहले। 8 साल में सेवलॉन्ग का ये पूरा इनिशिएटिव क्या अंतर लाया, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी पूरी ये स्टडी है डिटेल। और उसका 8 साल बाद आज ये इन्होंने पुनः एक कार्यक्रम याद किया जिसमें आज मैं फिर से आई हूँ। उत्तर प्रदेश में करीब 35,000 विद्यालयों में सेवलॉन्ग पहुँचा है और ये जो आज इन्होंने गाना भी दिखाया कि हमारा धारावी का मुंबई का जो स्लम है वहाँ के बच्चों के साथ मिलकर जो कार्यक्रम किया है, तो उन्होंने हाथ धोने को भी एक गाना बनाकर कि कैसे हाथ धोना कूल है, एक गाना बनाकर के यहाँ दिखाया है। मैं उम्मीद ही नहीं, ये पूरी विश्वास करती हूँ कि सेवलॉन्ग शुरू से सुरक्षा और स्वास्थ्य का मुझे लगता है दूसरा नाम रहा है। और स्कूल में जाते हुए बच्चों को सही समय पे कोविड ने भी हमें सिखाया कि ये जानना और ये सीखना कितना ज़रूरी है कि हाथ धोना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जब ब्रांड्स सिर्फ बिक्री पे ध्यान नहीं देते, वास्तव में आ करके हमारे बच्चों पे ज़मीन पर आ करके उनके लिए काम करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।